अकल से मदा सराय करो। और पंजाबी में क्या हम गाते हैं? गीत गाओ सोचते समझ नाल तारीफ करो। हाँ, इस तरह का जबूर गाते हैं कि नहीं? हाँ, गीत गाओ सोच, यानी हम दो सना में भी हमें अकल और हिकमत की क्या है? पुराने अहदनामा में पढ़े, खुदा ने हिकमत दी। बाइबल में लिखा है मौसीकारों को, गुलूकारों को, प्रस्तारों को, बाइबल में लिखा है हिकमत से मामूर उनको किया, प्रस्तारों को। तो आज मैं ये भी कहता हूं कि वर्शिप में, प्रसेश में, हम्द में, गाने और बजाने में भी हमें पाक रूह की हिकमत ही क्या है। बहुत देर की बात, मैंने शायद आपको पहले भी सुनाई हो कि वजीराबाद में नाल वाक्य भी मैं साथ वाक्य बताता हूँ। लोगों ने कहा जी हमने वो बैंड बाजा नहीं बजाना, उन्होंने ढोलकी ली और बाजा लिया और शादी बारात बन के गए हैं, तो जनाब बारात बन के गए हैं तो गीत गाई जा रहे हैं, बड़े जोश से गए हैं बारात बन के तो गीत गाई जा रहे हैं बड़े जोर के साथ, एक मौत दा काग बनेरे। तो बोले शाम कर होश आखिरी वेला आ गई, सदा बैठिया नहीं रहना। उन्हें क्या लै भैया इन्हों का आखिरी वक्त आ गया। लो जी गाई जा रहे, और ये सही वाक्या लतीफा नहीं, सही वाक्या, गाए जा रहे ने, गाए जोश, कदी कदी जोश विच अकल, होश का मतलब ही अकल है। अभी मिस यासमीन फिदा ने एक मुझे वीडियो दिखाई, आ देखो बड़ी की कहते हैं वायरल हुई है, मैं या कोई बीमारी है वायरल हो जाती, ये लफ्ज इस्तेमाल कर दी। मैं क्या जरा सुना भाई, मैं सुने अजकल बड़ी एक दूसरे को सेंड की कर रहे ने, वो कुछ लड़कियां गा रही हैं कि मैं यसू दी मंगती हाँ। मैं क्या ठीक है, मैं मैनु गौर ना सुना, मैं क्या जड़ा प्रस्तुश करने वाला है तो कभी कह नहीं सकता मंगती का मतलब मंगन वाला, मांगता। मैंने उसने तो हमें मांगने से, मांगने वाले से, फकीरों से अपना फर्जंद बना लिया है। हम तो अब वो मंगते नहीं रहे हैं, हम तो फकीर नहीं रहे हैं, हम तो खुदा की हजूरी में बेटों और बेटियों की हैसियत से उसकी इबादत करते हैं और परस्तश करते हैं। कई गीत ऐसे मैंने देखे कि लोग जोश के साथ गाते चले जा रहे हैं, या ये जोश आ जाता गाया किसने, किसी अच्छे बंदे ने भावे किन्ना भी अच्छा गाया विरासबान ना, आ देखो गाया किन्ने में तो जोश चढ़ गया। जिस तरह कोई अपने लोग अपनों में से कोई खुदा को कबूल कर ले, ये हिकमत की बातें आपको सिखा रहा हूं, कोई जोश नहीं, कोई मुबारकबाद नहीं। अगर कोई एक बंदा हो और कोई है बारह वो कर लेते जोश ही जोश, आओ जी इन्हू इत बिठाओ, मैं ये रूह को ज्यादा कीमती, रूह तो एक जैसी है, खुदा की निगाह में तो सब फिर जो उसके पास आएंगे एक जैसे ही हैं। वो तो फर्जंद बन जाते हैं, वो कहीं से आए, उसका बैकग्राउंड कोई क्यों ना हो। और आज हमारी कैफियत ये है कि हमने देखना है इसका बैकग्राउंड क्या है, उसी में जोश से भरे रहना, चाहे वो गवाही दे या ना दे। अच्छी कलाम सुनाने वालों के लिए भी यही मियार रखा गया है, सही मैं कह रहा हूं बात है, इसका बैकग्राउंड देखो कहां से आया है, यह बड़ा कीमती है, स्पेशल खुदा ने घर के बनाया है।
उसके सामने सारे फरजंद हैं। हालेलुया। गौर करें, अकल समझ बूझ सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी, खिदमत में भी और हमद में भी। और जनाब उते जोश नाल गारे ने, और एक बड़ा समझदार सी अकल वाला, उन्हों खुदा ने हिकमत बख्शी सी, सादा सी। ओ भाइयो चुप, ओ चुप चुप चुप। उन्होंने कहा लै भी कोई खतरा आ गया। उन्होंने कहा जी हाँ जी की होया। ओ बेवकूफो तुसी शादी दे हो, बरात लै के आए हो। कहिंदे हाँ जी, ते गीत केड़ा गांदे हो, फिर एक मौत का पैगाम पे दें दे। उन्होंने समझाई, कहते ठीक है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दल। हमें प्रसश में, हमद में, खिदमत में अकल की क्या है? कई लोगों को लिखना नहीं आता। अच्छा है, ये चीजें बतानी चाहिए। इल्मे ला याद के मुताबिक गीत लिखते नहीं है, ये नहीं कि सारे नहीं लिखते, बहुत अच्छे गीत लिखने वाले हैं, लेकिन जिनको नहीं भी लिखना आता, उन्होंने तोड़ मरोड़ के, टोट के ला के, ताकि पता लगे मैं ना निरा गांदा ही नहीं, नाल मैं शायर भी बन गया जी। मैं सुन सुन के ते परेशान होना, ये ना तू शायर ना ही बनो तो चंगा। अगर इस तरह दियाँ हरकतां लिखनियाँ ने कि जेड़ियाँ इल्मे इलाहियात दे खिलाफ ने। गीत गाओ सोच, प्रस्तश में अकल और हिकमत, गीतों में भी फहम समझ अकल दानिश और हिकमत की क्या है? जरूरत है। हमें जानना चाहिए हम क्या गा रहे हैं। ये नहीं हम ही जोश चढ़े हैं, किंग फड़ी है, तो कभी पहाड़ा ते गए ते पावे बागों च बड़े ने, ये भी नहीं पता गांदे की पे ने। वो वेखने पे उड के पहाड़ ते चला गया, उड के बाग च चला गया, उड के दरिया ते चला गया, उड के समुंदर ते चला गया। वो तो लफ़ सुनो तो वो ही है। अकल से प्रस्तुत करें, दानिश से प्रस्तुत करें। खाली जोश नहीं होना चाहिए, जोश हो लेकिन जोश के साथ क्या होना चाहिए, है ना? कलाम में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस में इफ़सियों के खत में चौथा बाब 23वीं आयत में क्या लिखा है कि मैं अकल से भी गाऊंगा और रूह से भी। तो फिर क्या लिखा है? अकल से भी दुआ करूंगा और दुआ के लिए भी अकल चाहिए, और गाने के लिए, गाने बजाने में भी क्या चाहिए? अकल चाहिए। यह बाइबल मुकद्दस की बातें मैं आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। दुआ के लिए अकल चाहिए है? नहीं तो यह भी एक जिंदा वाकया है। गुड फ्राइडे वाले दिन एक बंदा दुआ कर रहा है, खुदावन तो साडे लिए स्लीप से मर गया, खुदावन तो साडे लिए हथा पैर च केले लगवा ले, ते नाल ही गुस्सा चढ़ गया, ते वड्डियां वड्डियां गालां कढ के कहंदा कदी मैं हुंदा ते ये है वो है। ए सच्चा वाकया। वो किसी ने कहा, वो भाई जी तुहानू की होया, दुआ जी गालां शुरू कर दी। वो कहंदे तुहानू नहीं पता मैनु गुस्सा ही बड़ा आ गया, उन्होंने क्यों यसु नू चढ़ाया फिर। ओए होए होए। दुआ में भी, खिदमत में भी, हमदो सना में भी, इसका मतलब है इबादत। हमदो सना जब करते हैं, हमें रूह के साथ हिकमत भी की क्या है? अकल। शेखपुरा में उस वक्त मैं मौजूद था, छोटा सा था, मेरा हाल है कुछ
लाइक 18 साल का। तो मैं गया दवाइया मीटिंग में, उस वक्त मेरा ख्याल है 71 की जंग थी। तो एक बुजुर्ग एल्डर साहब, मैं उस वक्त बच्चा ही था, एल्डर साहब ने दुआ शुरू की, खुदावन तेरा शुक्र है जंग लगी हुई है, खुदावन तेरा शुक्र है बम पड़ रहे हैं, खुदावन तेरा शुक्र है लोग मर रहे हैं। मैं जदों यह सुनिया तो मैं उस वक्त बच्चा सा, मैं एक बुजुर्ग पादरी ने कहा दुआ दे बेचे कौड़ी मार के, मैं बाबे रन चुप करा लो, नहीं तो इन्होंने शुक्र कर करके ना सारा पाकिस्तान खत्म कर देना। तो मैं अगर किसी ने सुन लिया CID ने तो उन्होंने कहना है बाबा घर ले आया शुक्र पिया कर दे बाबा भी जसूस जी। तो जब हम दुआ करते हैं हमें अकल से भी दुआ करना है, और अकल से गाना भी है, खाली जोश और खुदा का बंदा क्या कहता है, मैं अकल से भी गाऊंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। ये अल्फाज लिखे हुए हैं जो मैं आपको साथ आयात दे रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हमें जिंदगी के हर शोबे में किसकी जरूरत है, अकल की, हिकमत की, और ये हिकमत रूह कुस की एक क्या है, नेमत है। ये हिकमत अकल पाक रूह बख्शता है अपने लोगों को, हालेलुया, क्योंकि ये एक शख्सियत की निशानी है। एक और हवाला पढ़ता हूं, पढ़ता नहीं बताता हूं, लिखी बात करता हूं। लुका की अंजील दूसरा बाब 52 आयत 52, और पता है यहां क्या लिखा है, आप लिखने वाले लिख लें, लिखा है यसु हिकमत और कदो कामत में तरक्की करता चला गया। यसु हिकमत और कदो कामत में और इंसान और खुदा की मकबूलियत में तरक्की करता चला गया। यसु मसीह कदो कामत में बढ़ता है, जिस तरह एक बच्चा फिजिकली तौर पर कद और कामत में बढ़ता है। खाली कद ही नहीं कटिया, साथ क्या लिखा है, हिकमत। अगर अकल ना होए हिकमत ना होए तो फिर की कहते ने, जड़ा लंबा है ना कद तो कट लिया, अकल एदी गिटियां चीजें, उस कद का फायदा है, मुझे बताओ। यसु के बारे लिखा है, यसु मसीह हिकमत और कद्दो कामत में बढ़ता गया। इन असी कद ही कट के कही ला भी की साइज है जी ताड़ी लंबाई का, 6 फुट ते 3 इंच, ताड़ी हिकमत का साइज की है 1 इंच। हाँ कदो कामत में बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, ले मुहावरा बनाया कि नहीं, वो यार लम्मा जड़ा है ना एदी अकल गिटिया चीजे। अगर हिकमत ना हो तो कुछ भी, यसु मसीह हिकमत दोनों लफ्ज यहां लिखे हैं, पहले मौजजात और हिकमत, फिर क्या लिखा है, कदो कामत और हिकमत में तरक्की करता चला गया। हमें भी यीशु के साथ उससे इंस्पिरेशन लें, ना ये भी लें कि अगर कदो कामत में बढ़े तो साथ साथ अकल बड़ी हो, अकल भी जवान हो, अकल में भी हम क्या करें, तरक्की करें,
حکمت میں کیا کریں ترقی کریں سمجھ میں کیا کریں ترقی کریں فہم میں کیا کریں ترقی کریں یہ بائبل مقدس کی باتیں ہیں کہ ہمیں روح القدس کی حکمت اور عقل اور فہم اور دانش کی کیا ہے ضرورت ہے ہاللویا ہر کام میں ہمیں ضرورت ہے لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 14:20 کہ سمجھ میں بچے نہ رہو سمجھ میں جوان بنو یعنی سمجھ کا مطلب عقل دانش فہم حکمت اس میں بچے کے بچے نہ رہو بلکہ کیا بنو لکھا ہے جوان بنو عقل میں بھی جوان ہو حکمت کی زندگی کے ہر شعبے میں کیا ہے خاندانی زندگی میں زمین پر ہمیں دنیا میں دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں حکمت اور عقل کی ضرورت ہے پہلا پترس 3:7 میں یہ لکھا ہے کہ اے شوہروں بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو یعنی خاندانی جو رشتے ہیں خاندانی جو زندگی ہے اس میں بھی ہمیں حکمت دانش اور عقل کی کیا ہے ضرورت ہے یہ بائبل میں میں نے کہا ہے زندگی کے ہر شعبے میں بائبل کو پڑھیں اور حوالہ جات بھی ہیں زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں عقل کی ضرورت ہے نہیں تو پھر سنتے ہیں یار اتنا بڑا ہو گیا انو یہ تک عقل انو نہیں آئی بڑا ہو گیا قد لمبا کئی تے پنجاب چ اسی رہنے ہیں پنجاب پنجابی لوگوں کو میں بھی سنیا یار کھوتے جیڑا ہو گیا یعنی ایڈا بڑا ہو گیا انو یہ تک عقل قد تے گدھے دی طرح کڈ لیا نے لیکن انو عقل موت ہے نا یہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے محاورہ ہاں کی فائدہ ڈانڈا سپاٹیاں دا کی فائدہ لمے کا دا اگر عقل موت ہی نہ ہوئے تو اور ہم جو ایماندار ہیں ہمیں تو عقل کی کیا ہے حکمت کی کیا ہے اور میں کہتا بائبل میں یہ لکھا ہے کہ حکمت والا زور آور ہے او دا قد چھوٹا بھی ہوئے حکمت ہوئے تے او زور آور ہے ہاللویہ بائبل میں لکھا ہے کمزور بھی ہو حکمت ہو تو وہ طاقتور ہے پڑھا لکھا نہ بھی ہو حکمت ہو تو وہ زیادہ دانش مند ہے کیونکہ بائبل مقدس میں ہاللویہ لکھا ہے زبور 119:130 آیت میں لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے جو سادہ دل ہیں اب وہ عقل مند بنتے ہیں حکمت حاصل کرتے ہیں وہ عقل کی ضرورت کو کیا کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کئی ہمارے جو بزرگ لوگ تھے بڑے لوگ تھے ان پڑھ بھی تھے سادہ لوگ جسے کہتے اے بڑا سادہ بندہ ہمارے آباء اجداد بڑے سادہ لوگ تھے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں حکمت اور دانش آج کے پی ایچ ڈی کرنے والوں سے بھی زیادہ تھی آپ نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ ان لوگوں وہ سادہ لوگ تھے لیکن حکمت اور عقل سے خاندانی زندگی میں عقل روحانی زندگی میں عقل عبادت کے معاملوں میں دانش اور اس طرح کر کے ان کی لائف ایسی ایک نمونہ کی لائف ہوتی تھی لیکن ہوتے بھی وہ ان پڑھ تھے
ये हिकमत और दानिश और अकल और फहम पाक रूह के वसीला से मिलती है और सादा लोगों को मिलती है, जो अपने आप को पहले ही चलाक समझे उनको नहीं मिलती। जो समझते हैं कि हम सादा हैं हमें कुछ नहीं आता, उनको अकल और दानिश भी मिलती है। तो यो पहले ही कहना सी बड़े चलाक हाँ, सानू कोई अकल की जरूरत नहीं, सानू अकल ना दियो भाई, सानू कोई समझ की गल ना करो, साढ़े को बड़ी समझ है कुट कुट के भरी है। लेकिन खुदा सादा लोगों को जो सादगी से खुदा के कलाम को, जो उसकी बातें उसका कलाम है, ये नूर की तशरीह है। हालेलुया, ये कलाम जो है, ये कलाम की तशरीह जो है, ये कलाम की जो खिदमत है, कलाम का जो सुनना है, ऐसी तशरीह है, ऐसी नूर की तशरीह है जिससे सादा लोग जो कबूल कर लेते हैं वो दानिशमंद बन जाते हैं। हालेलुया, हमें कलाम को जब कबूल करना है, इसकी तशरीह को कबूल करना है सादगी के साथ, अपनी अकल से नहीं, तो फिर वो शख्स हिकमत वाला बन जाता है। खुदा का कलाम जो पढ़ता है सुनता है वो दानिशमंद और अकलमंद बन जाता है। ये मैं आपको कलाम के मुताबिक बता रहा हूँ। जो कहता है मैं हिकमत से बाहर जाऊँ, हिकमत की ज़रूरत को समझे और सादगी से उसे कबूल करे, और जिस तरह लिखा हुआ है याकूब के खत में, क्या लिखा हुआ है याकूब के खत में, बड़ी मशहूर आयत है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो, या याकूब का खत पहला बाब पांचवी आयत, लिखने वाले लिख लें, मैं पढ़ूंगा नहीं, लिखा है अगर किसी में हिकमत की यानी अकल की समझ की कमी हो तो वो क्या करे, खुदा से मांगे, उसको मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी किसको, एक तो सादगी से और दूसरा इसकी जरूरत को महसूस करे कि मुझ में हिकमत की क्या है। अगर किसी ने कहो भी तानू को हिकमत अकल चाहिए, तो अगर तो किसी ने कहा हाँ इहदा मतलब कमी है, इत्थे हाँ करना बड़ा 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 बड़ी वड्डी दलेरी है, इसका मतलब जाहिर है हाँ जी मेरे च कमी है, अकल दी समझ दी कमी है, दानिश दी कमी है, फहम दी कमी है, समझ दी कमी है, ऐ खुदा मुझे अपनी हिकमत अकल समझ दानिश से क्या कर दे। तो फिर कितने लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हमें इसकी ज़रूरत है। मैंने एक दफ़ा कहा भी कितने लोगों ने दुआ में, मैंने हाथ नहीं उठाया, सच्चाई से बताएं किसने कभी दुआ की हो कि खुदावंद मुझे हिकमत दे, मुझे अकल दे, मुझे समझ दे। नहीं तो यही कहते हैं मुझे शिफा दे, मुझे घर दे, मुझे नौकरी दे, मुझे पैसे दे, मुझे और दे, मुझे मोटरसाइकिल दे, उदे बाद कार दे, उदे बाद हेलीकॉप्टर दे, उदे बाद जहाज दे। मैं अकल तो मैं घट ही दुआ, मैं बड़िया दुआवां मीटिंगा भी रखिया ने, घट लोगों का सुने जेड़ा कि खुदावंद मुझे अकल भी बख्श, खुदावंद मुझे समझ भी बख्श, कलाम की खिदमत की इबादत की दुआ की मुझे अकल भी खुदावंद दे। बहुत घट लोग हैं, क्यों कहते ने दी केड़ी जरूरत है, अकल तो बगैर तो काम हो ही जाते हैं, तो चीज़ा तो बगैर काम होंगे ही नहीं, दानिश तो बगैर कोई गल नहीं, हो ही जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं
हमें इलाही हिकमत की जरूरत है, जो सुन रहे हैं मीडिया के जरिए से भी, मैं कहता हूं मुझे जरूरत है खुदा की हिकमत की जरूरत है, दानिश की जरूरत है, अकल की जरूरत है, खिदमत में, गवाही देने में, मौजजात में, कलाम सुनाने में, रूहानी जिंदगी बसर करने में, प्रस्तुति करने में, हमद करने में, खानदानी जिंदगी में, दुनिया के मामलात में, मुझे खुदावंद हिकमत की जरूरत है। मुझे अपनी हिकमत और दानिश से क्या कर दे, मामूर कर दे। और फिर बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि दी जाएगी हिकमत, जो मांगेगा उसको हिकमत दी जाएगी, जो नहीं मांगेगा, फिर जबूर में लिखा है 94 उसका उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ऐ कौम के हैवानों तुम्हें कब अकल आएगी। ये नहीं लिखा है कौम के रहनुमाओं, नो 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 नो, साफ साफ लिख देता है। जिस तरह मैंने कहा कलाम हाँ हाँ है या ना, बिच बिच दरमियान वाली गल को नहीं, या हाँ हाँ या, ये बाइबल में मैंने पढ़ के सुनाया है। कहता है कौम के हवानों, ये नहीं कहा इंसानों, ये नहीं कहा रहनुमाओं, नो 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 नो, हवानों, क्यों, जो जो इंसान नहीं, जिसमें अकल नहीं, एहसास नहीं, जज्बात नहीं, फीलिंग नहीं, दानिश नहीं, समझ नहीं, वो इंसान नहीं, वो हैवान की तरह है। बाइबल ने ये कहा है, बाइबल मुकद्दस कहती है। तभी तो मैं पहले कह चुका हूँ, कहते हैं यार है डंगर दा डंगर ही है, ये बाइबल में लिखा है हैवान। मावरा सुना, पढ़ा भी लिखा भी हो तो कहते हैं पढ़िया लिखिया बेवकूफ है, बेवकूफ है, लेकिन नाले दे इजाफा लगा है, इजाफा की लगा है, ये पढ़िया लिखिया बेवकूफ है, उंज बेवकूफ ही है, एक अनपढ़ बेवकूफ है, ये ना सिर्फ इन्नी डिग्री लग गई है, पढ़िया लिखिया बेवकूफ, क्योंकि दानिश, मैं ऐलान कर रहा हूं बाइबल के मुताबिक, तालीम से नहीं आती, नो, दानिश और अकल इलाही हिकमत दौलत से नहीं आती है। इलाही हिकमत जो है वो किसी रुतबे से नहीं आती है, किसी दुनियावी शान और शौकत से नहीं आती, ये पाक रूह की मामूरी से हिकमत अकल और दानिश होती है, और इंसान इंसान बन जाता है, जिसको इंसान बनाने को यीशु मसीह इंसान बन गया है। हालेलुया। इसलिए हम खुदा से मांगें कि खुदा हमें हिकमत की जरूरत है दूसरी चीजों के साथ साथ। मैं खुदा चीजें दे भी दे तो अकल ना हो तो बंदा खुद अपना एक्सीडेंट करवा लेता है, कार दे दे तो अगर हिकमत से ना चलाए तो क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं, सादा सी बात समझ आ जाए। खुदा जब दौलत दे तो साथ क्या दे, हिकमत दे, नहीं तो वो दौलत आपको खुदा से भी दूर ले जा सकती है। कईयों को हमने देखा, जब दौलत चाहिए थी, दुनियावी चीजें चाहिए थी, वो रोते थे, आंसू बहाते थे, रोजे रखते थे, खुदा के घर में आते थे, प्रस्तुति करते थे, गवाही देते थे, दौलत आ गई, रुतबा मिल गया, शान और शौकत बढ़ गई, उन्होंने कहा यसु जी हूं ताडे को आगे नाम डाल देना। ये कोई अकलमंदी की बातें हैं, हैं? ये कोई दानिशमंदी की बातें हैं, इनमें हिकमत पाई जाती है? नो, सुलेमान बादशाह खुदा की हिकमत से मामूल था। हालेलुया। अगर हिकमत की कमी है, अकल की कमी है, तो रूह कुद्दस में अकल है, और वो अपने लोगों को क्या देता है, अकल भी देता है, मौजजात की नेमत भी देता है,
और साथ क्या देता है, हिकमत की नेमत। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। अगर हम दो चीज़ें रख दें, ये आखिरी बात है समझने के लिए, बड़ी सादा, ताकि समझ आ जाए। आज दो चीज़ें रख दें, लो जी मौजज़ात चाहिए ने या अकल चाहिए। अब सच्चाई से जवाब देना, ज्यादा लोग किसको चुनेंगे? है सच्चाई से, लेकिन बड़ा सीरियस हूं मैं कि खुदा से समझ मांगे, खुदा से दानिश मांगे, खुदा से अकल मांगे, खुदा से कलाम मांगे। आए लोग चाहे किसी जगह पर भी, अकल हो ना हो मौजे होने चाहिए, है ना? रूह की निजात हो ना हो, बदन की शफा, जिमें मैं अक्सर कहना हूं सिर पीर खत्म हो गया, ऐ होना चाहिए। सिर पीर ठीक है, ताड़ी गोली नाल भी ठीक हो जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, ते अकल तो गोली नाल नहीं आती। अकल दी गोली है कोई जी? हाँ अभी वो तो ताकत वाली है ही है। अकल, अकल दी कोई गोली निकली है? लै वे मरीज आया, डॉक्टर साहब ने कहा लै वे तेरी अकल बड़ी घट है, जो मैं तेनू कहना वो तू खांदा नहीं, तो जो मना करना वो खाई जाना, ऐ गोली भी नाल खा। सुबह सुबह निर्णय कलेजे, तेनू अकल आ जाएगी। क्यों जी इस तरह की कोई गोली निकली है? हाँ जी अकल देन वाली ऐसी गोली निकली है, सिरप निकलिया जी दानिश वात जाए, है ऐसी गोली निकली है जी तो हिकमत वाला बंदा हो जाए, फहम वाला बंदा हो जाए, समझदार हो जाए, इम्तियाज करन वाला हो जाए, है? क्योंकि अकल का मतलब ये भी है इम्तियाज करना, है ना? हाँ इम्तियाज करना कि ये क्या है वो क्या है। पिछले जुमे को जो लास्ट क्लास थी, सेलिब्रेशन थी, तो एक मेरी शागिर्दा ने बड़ी अच्छी बात मुझे कही, मैं कहा शाबाश, मैंने उसको दिया। उसने कहा सर जी मैंने बाइबल में ये पढ़ा है कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हर एक रूह का क्या ना करो, यकीन ना करो। और मैंने उसे कहा शाबाश, ये सबसे कीमती चीज़ है इम्तियाज करना। अगर लोगों के अंदर इम्तियाज नहीं है, है ना, समझ नहीं है, अकल नहीं है, हिकमत नहीं है, फहम नहीं है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखती हैं। अकल, हिकमत, समझ हमें और आगे ले जाएगी और हम बालग होते चले जाएंगे। अब आखिर में मैं दुआ अब नहीं करूँगा, लेकिन ये बताएं कौन कहता है, जो मीडिया से भी सुन रहा हो और यहाँ भी हो, कि मुझ में हिकमत की अभी कमी है, कोई 60% आई है, 10% और चाहिए, चलो 90 ही आ गई है, 100% या 99% आ गई है, की और रह गई है, तो अपना हाथ खड़ा। चलो मैं इसलिए भी कहता हूँ कि ये ना कहें कि बिल्कुल साढ़े कोई हिकमत नहीं, चलो 99% भी है, लेकिन 100% लिखा ना इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले जहान में तो 100 गुना हिकमत भी चाहिए, 100 गुना अकल भी चाहिए। ऐसी 100 गुना दूसरी चीज़ें तो ना लांदे रहिए, 100 गुना 100 गुना मुझे कमी ना होगी। बड़े जोश ना पर रहने हैं, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और देखो बाकी चीज़ों की कमी नहीं, अकल की कमी है कि नहीं? क्योंकि यकूब रसूल ने तो कहा है किसी में अकल की क्या हो, और बाकी चीज़ों की कमी नहीं। ओके
ठीक है, ये भी ब्लैसिंग है, लेकिन ये देखो अकल दी भी कमी है कि नहीं, वो भी खुदा सौ अब खुदा के पाक कलाम के लिए ईद पेंतिकोस के दिन पाक रू के लिए जोरदार तालियां, खुदा मन यीशु मसीह के लिए, खुदा बाप के लिए, खुदा सलूस के लिए जोरदार तालियां के रूहुल कुस उसने हमें मददगार बख्शा है, हालेलुया, हमारा उस्ताद है और वो इलाही शख्स है और वो अकल से भरा है और अकल और दनाई और हिकमत बख्शता है। गॉड ब्लेस यू।